नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला, पारंपरिक खेलों का हो रहा आयोजन। कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क सरकार, मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में ली बैठक, तो चिकित्सा अधिकारियों को फोकस अस्पतालों की कमियां दूर करने पर। हरिद्वार में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आर्मी ड्रेस दिखाकर कई लोगों को ठगा। उत्तराखंड खाकी ने नशे पर कसी नकेल, बनबसा पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ 2 नेपाली महिलाओं को दबोचा, जसपुर में नशीली दवाइयों के साथ 2 गिरफ्तार। पहाड़ों में बढ़ रहा सितम, शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, अगले 5 दिन में बारिश बर्फबारी से और बढ़ेगी कपकपी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ के अंतर्गत पारंपरिक खेल मुर्गा झपट, गुल्ली डंडा और रस्साकस्सी जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस खेल महाकुंभ के प्रदेश की 13 जिलों की 13 टीमों ने प्रतिभाग किया है। खेल महाकुंभ के इस आयोजन के मौके पर सीएम धामी ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार स्वरूप धनराशि देने की घोषणा की है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में खिलाड़ियों को अपना भविष्य संवारने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के बहुत ही, मैं कहूं कि न्याय पंचायत ग्राम सभा स्तर से जो खिलाड़ी विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनमें उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहां तक पहुंचे हैं, और यहां पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है, उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुँचे, और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुँचे, और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुँचे हुए हैं। और मैं मानती हूँ कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक साधन संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा, तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है। ये डेफ ओलंपिक्स 2022 में हुआ था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और मैं इन सब धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे 1 करोड़ की धनराशि मिली है, तो ये सब सीएम ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि 2 करोड़ की नगद धनराशि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया गया। मैं इस वक्त इसी मैदान में खड़ा हूँ जहां पर आप मेरे पीछे स्टेज देख रहे हैं। यहीं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ का आगाज किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस खेल महाकुंभ में कुल 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य यह है कि आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करना। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस खेल महाकुंभ में अंडर 14, अंडर 17, अंडर
21 के बालक बालिका वर्ग में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, मैराथन की उनके खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस खेल महाकुंभ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीरंदाजी स्टेडियम का भी विमोचन किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां कई महत्वपूर्ण अहम फैसले भी लिए। खेल महाकुंभ का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य स्तर से लेकर के जिले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। वहीं खेल यह महाकुंभ न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के राज्य तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा यह बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा जा रहा है कि खेल हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। इस विकास के साथ साथ राज्य का और देश का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा होता है, इसलिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और यह प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ये बैठक स्वच्छ गंगा के संबंध में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि गंगा को गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक स्वच्छ और अविरल बनाया जाए, जिसके तहत उत्तराखंड में भी काम शुरू किया जा चुका है। तो 2019 में ये बैठक हुई थी कानपुर में और उसमें कुछ लक्ष्य यहाँ के लिए रखे गए थे कि गंगा के उद्गम स्थल से लेकर उत्तराखंड राज्य के अंतिम छोर तक, जहाँ पर हमारा हरिद्वार जनपद का अंतिम उत्तराखंड का कोना पड़ता है, वहां तक गंगा जी स्वच्छ जाए, निर्मल जाए। तो इस पर जितने भी हमारे काफी सारे एसटीपी प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं, 132 जो नाले थे जो लगातार गंदे नाले गंगा जी पर गिरते थे, उनको टेप किया गया है और ऋषिकेश तक ए श्रेणी का पानी, जिसको पीने योग्य पूरी तरह से पीने योग्य है, और ऋषिकेश से लेकर हमारे अंतिम छोर तक उत्तराखंड के, उसको अभी बी श्रेणी में रखा गया। हमारा प्रयास है कि पूरे गोमुख से लेकर जहां से गंगा जी निकलती हैं और हमारे राज्य के 300 किलोमीटर के अंतिम प्रभाग तक ए श्रेणी का पानी मिले, और भी जो स्नान घाट हैं हमारे, इन सभी को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से उनको विकसित भी किया गया है। देहरादून में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक को लेकर कैबिनेट प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगा को हम मोक्षदायिनी मानते हैं, लेकिन गंगा को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया गया था, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद ऋषिकेश में बहुत से काम हुए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद उसमें कई और फीडबैक मिलेंगे और उस पर हम काम करेंगे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रतिभाग कर रहे हैं और आप जानते हैं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, और उस की बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं और उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बहुत एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जिसको लेके आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि गंगा जी को हम अपनी माँ मानते हैं, मोक्षदायिनी मानते हैं, लेकिन गंगा जी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित इस दौरान किया गया था। लेकिन जब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा है। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जिनको लेकर आरोपी से पूछताछ जारी है। एक 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा है सोनू उर्फ फरमान। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। आपको बता दूं कि जब से डीजी साहब का अभियान चल रहा है तो हमने 11 जो इनामी बदमाश थे, ज़्यादातर उसमें जो है 25,000 वाले हैं, उसको हमने अरेस्ट किया है और ये प्रक्रिया अभी जारी है और भी निकट भविष्य में और भी हम इनामी बदमाशों को पकड़ेंगे।
चमोली में ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम को लेकर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस बार निचले इलाकों में बहुत दिनों से जबरदस्त कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। इस बार निचले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रमों की कड़ी में अटल भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। निशंक ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था, मुफ्तखोरी की राजनीति से विकास की राजनीति और युवाओं को सशक्त बनाने पर अपने और सरकार के विचार रखे। छात्रों में कितना उत्साह है, ये अटल भाषण जो प्रतियोगिता हुई है जिसपे सुशासन से लेकर के हम आगे भविष्य में फाइव ट्रिलियन आर्थिकी को बढ़ाने की बात है, देश कैसे सशक्त हो सकता है, डिजिटल इंडिया और जो मोदी जी ने जिस तरीके से क्रांतिकारी वो अभिनव प्रयोग किए हैं देश में, और अटल जी का जो सुशासन था, उनके जन्मदिन पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। तो पूरे देश में आज युवा मोर्चा हमारा ये छात्रों के साथ अटल भाषण प्रतियोगिता करा रहा है। आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर 8 कॉलेजों के 40 छात्रों ने सीधा सीधा उसमें सहभागिता अपनाई, और वैसे तो यहाँ पर सैकड़ों छात्र इस भव्य कार्यक्रम में रहे हैं। मैं यहाँ के युवा मोर्चे का जो काम जिनको दिया था गौरव कौशिक, और हमारे जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं शुभाराम जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्यक्रम रहा है। डीजी साहब यहाँ पर हैं इस कॉलेज के छात्रों में मैंने देखा है कि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा भी की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। राहत की बात यह है कि जिले में पिछले एक सप्ताह में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही बूस्टर डोज भी तेजी से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू सहित सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि एक हफ्ते से कोई भी पॉजिटिव केस डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में नहीं पाया गया है, और जो पहले से कुछ लोग पॉजिटिव थे वो भी ठीक हो चुके हैं। लगातार टेस्टिंग चल रही है, साथ में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं, दवाइयों की स्थिति क्या है, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क हैं कि नहीं, इन सब बातों पर मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग ली है। और हमारे जो फ्रंट लाइनर हैं वो लाइन अप हुए कि नहीं, और सारे के सारे लोग तैयार हैं, सारी चीज़ें जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो चाक चौबंद हैं, ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बल्कि जो आर्मी की तरफ से, DRDO की तरफ से हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल खुलवाया था, उसके कई बेड्स और उसका जो साजो सामान है, वेंटिलेटर हैं, वो स्टोर में रखे गए हैं। हल्द्वानी में कोविड 19 के नए वेरिएंट के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर ACMO और सिटी मजिस्ट्रेट ने सुशीला तिवारी अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा लिया। ACMO रश्मि पंत और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने STH प्रशासन को निर्देशित किया कि कोविड 19 के नए वेरिएंट को देखते हुए सभी सुविधाओं को क्रियाशील रखा जाए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ICU बेड, मास्क, सैनिटाइजर एवं आवश्यक औषधियों का भंडारण यथासमय उपलब्ध रखा जाए। मोकड्रिल में जो कमियां उजागर हुई है उसे दूर किया जाए।
हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स के सीएचसी में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ के लिए भी प्रिपेयर्स हैं आने वाले कोविड को देखते हुए, उसकी तैयारी देखी और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देख कर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखे। अब हम अंदर ICU बेड्स देख रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स देख रहे हैं कितने वेंटिलेटर्स हैं, फिर हम इसके बाद लैब भी जाएंगे जहाँ लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है क्योंकि आने वाले समय में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए देखा है। हम लोगों से निर्देश प्राप्त हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, तो ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, ICU बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर ACO बैंक के साथ ही मॉकड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला के बारे में। तो ये बेसिकली इसका एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए। और हम शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र और CCR के पास पुरुष और महिला रैन बसेरे का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से वार्ता भी की। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरे की जानकारी दी जाए, इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाएं जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। देखिए अभी मैं CCR के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित हैं उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे, तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई। क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। बस मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पर हैं उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश जीना ने शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में खेल मैदान विद्यालय में नव भवन निर्माण का उद्घाटन किया। विधायक महेश जीना ने शहीद गोपाल सिंह रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में खेल मैदान विद्यालय में नव भवन निर्माण कार्य और उत्तराखंड पेयजल निगम रानीखेत के विधायक की देखरेख में किया जा रहा है। आज हमारे मछोड़ इंटर कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें 3,98,00,000 रुपए उनके द्वारा में स्कूल की बिल्डिंग के लिए और 1 करोड़ रुपया यहाँ के ग्राउंड के लिए दिया गया है और इसका शिलान्यास हुआ और उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और इसी प्रकार की कृपा उनकी सभी जगह बनी हुई है। आज हमारे सांसद जी को भी हमने बुलाया था लेकिन वो आज आ नहीं पाए हैं और उनका भी धन्यवाद है कि ये CNS के द्वारा जो कार्य हो रहा है और उसके लिए हम पूरा अपने प्रदेश की सरकार का।
ग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय स्प्रिंगफील्ड रानीखेत में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कभी भी किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश दिया है कि पूरा देश और सभी देशवासी एक हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी एक दिवसीय दौरे पर कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचकर संगठन विस्तार और संगठन कार्य की जानकारी कार्यकर्ताओं से प्राप्त की। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि अगले वर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी धर्मशाला हिमाचल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश भर से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता और तिब्बत की आजादी के समर्थक जुटेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अभी से ही मंच के कार्यकर्ताओं को जोर शोर से कार्य करना होगा। मैं प्रदेश में पूरा दौरा करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, चाइना की गतिविधियां बताऊंगा, जिससे हमारे देश की जो हमारा जो ये मंच है इसके माध्यम से हम चाइना को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा तिब्बत को आजाद करो और मानसरोवर को मुक्ति करो, जिससे हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाए और हमारा तिब्बत आज़ाद हो जाए, क्योंकि हमारी सीमाएं खाली तिब्बत से लगती हैं, चाइना से हमारी कभी कोई सीमा नहीं लगी है, जिससे हमारा जो डिफेंस की हमारी जो पैसे की इकोनॉमी है वो भी हमारी भारत की सेफ होगी। और भारत सरकार इस विषय में काफ़ी प्रयास कर रही है। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बिल्कुल प्रगति के राह पर चल रहा है। 2024 तक काफी कुछ बदल जाएगा तिब्बत। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने नववर्ष को देखते हुए देहरादून पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल नैनीताल के अधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि नववर्ष के जश्न के लिए प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों में आने लगे हैं। पर्यटकों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार करें, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुसार ट्रैफिक प्लान बनाया जाए, यातायात प्लान का मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। मेरा सभी से अनुरोध है कि नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किंतु साथ ही ये भी अनुरोध है कि शालीनतापूर्वक मनाएं। नए वर्ष के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, विशेषकर नैनीताल में, हल्द्वानी में, देहरादून में, मसूरी में और ऋषिकेश और वृहत्तर ऋषिकेश, यानी जो तपोवन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र है वो सब। तो इन सब के आज मैंने ट्रैफिक की समीक्षा भी की है। मेरा सभी आने वाले पर्यटकों से और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन सबसे अनुरोध है कि यातायात प्रबंधन में हमारा सहयोग करें। हमने 31 और 30 तीन दिनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। कृपया करके अनावश्यक रूप से सड़कों पर न आए, अनावश्यक रूप से मसूरी और नैनीताल का प्लान न बनाए। अच्छा हो कि आपके पास बुकिंग हो तभी आप वहाँ जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हुई तो मसूरी और नैनीताल में रेस्ट्रिक्शन लागू होने वाले हैं कि सिर्फ उन लोगों के ऊपर चढ़ने दिया जाए जिनके पास होटलों की बुकिंग है। खबर हरिद्वार से है, जहां फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के द्वारा खुलासा किया गया। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि सरकारी नौकरी का लालच देकर बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाई लेवल इम्पैक्ट के लिए आर्मी ड्रेस में ऑफिसर रहते थे, इसके साथ ही दो गार्ड भी मौजूद थे, जिससे शक की कोई गुंजाइश न रहे। फर्जी भर्ती सेंटर के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभागों में जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूपीएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती है उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर, और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कहकर काफी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था, क्योंकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो सभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहां पहुंचता था उसे लगता था कि वहां उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर आने विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया, चूंकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियां थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियां, साथ ही साथ 2 गार्ड भी रखते थे और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो ऐसा लगता था छात्रों को कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो उनकी इंटरव्यू ले रहा है। इस तरह से करीब
100 से ज्यादा छात्रों का भी प्राविधिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त भी फरार है, जिसमें 4ों की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी। उत्तराखंड के चंपावत के सीमांत बनबसा थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां नेपाल से 4 किलो से ज्यादा चरस ला रही 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चंपावत पुलिस ने सीमांत क्षेत्रों में नए साल पर चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पकड़ी गई दोनों महिला गोमा और कमला है, जो नेपाल के सीमांत क्षेत्र के निवासी है। ये नेपाल के एक तस्कर के कहने पर मादक पदार्थ भारत में ला रही थी और नान कमत्ता के एक चरस तस्कर को सौंपने वाली थी। एसपी पिंचा ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। टीम को एक ब्यूरो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उसके आधार पे 2 नेपाली लेडीज को बॉर्डर पार करते हुए लगभग 2-2 किलो मतलब कुल मिला के 4 किलो से कुछ अधिक मात्रा में चरस के साथ दोनों महिलाओं को हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल से ही किसी एक तस्कर ने इनको ये सामान दिया था, इनको बॉर्डर पार करा के नानकमत्ता तक ही पहुँचाना था। जिस व्यक्ति को जहाँ पहुँचाना था उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको भी हम इसमें वॉन्टेड करेंगे, क्योंकि केस काफी अच्छा था और काफी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने पकड़ा है, तो इसमें मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपए के रिवार्ड दिया जाए। वही उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों युवक जिशान और फैजान हैं। पुलिस ने अभियुक्त जिशान के पास से 360 और फैजान के पास से 240 नशीली टेबलेट्स बरामद की है। SSP उधम सिंह नगर महोदय के दिशा निर्देशन में ये नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और जसपुर पुलिस ने इसमें अच्छा काम करते हुए एक 600 नशीली टैबलेट्स बरामद की हैं, जो कि प्रतिबंधित हैं, और इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये दोनों अभियुक्त एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालक से ये दवाइयाँ लेकर आए थे। उस मेडिकल स्टोर संचालक की फिलहाल दुकान भी बंद। उत्तरकाशी के मुखेम रेंज के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आज सुबह अचानक घायल जंगली जानवर घोरल आ गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्कूल कर्मचारियों ने घोरल को क्लासरूम में बंद कर दिया और इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। वन विभाग के कर्मचारी पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचे और घायल घोरल को काबू कर पिंजरे में बंद कर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि इसके बाद घायल घोरल का जंगल में छोड़ दिया गया। एक घुरल आया जिसके पीछे काफ़ी कुत्ते लगे थे और जैसे ही वो अंदर आया उसके मुंह से काफ़ी ब्लड निकल रहा था, तो हमने यहाँ पर गेट वगैरह बंद करा और वह अपने आप जैसे ही क्लास के अंदर गया तो हमने उसको बंद कर दिया वहाँ क्लास के अंदर। तत्काल उसी समय हमने वन विभाग के मुखेम रेंज के आसपास वहाँ पर कॉल करी, वहाँ से वन विभाग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम तुरंत यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे और अभी उसको अस्पताल ले जाने की कार्य चल रहा है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।